अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आलू गोभी का पराठा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। रात का आलू गोभी का सालन जो पड़ा हो उसको ही हम सुबह को मैश करके तो वो पराठे बना लेते हैं, और जिसको ये पराठा क्रिस्पी अच्छा लगता है वो तवे से उतारते ही फ़ौरन उसको खोल ले तो वो बहुत क्रिस्पी रहता है, और अगर किसी को सॉफ्ट पसंद है तो वो बंद ही रहने दे। बंद पड़ा हुआ पराठा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, और इसको दही के साथ एंजॉय करें। ये रात का सालन है जो हमने आलू गोभी का बनाया था, उसको फोक की मदद से हमने मैश कर लिया है, या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें हैंडफुल धनिया डाल दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, और इसके अंदर 1 टीस्पून ही हम साबुत धनिया डाल देंगे, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर डाल दी हैं सुरख मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून इसमें डाल दें नमक, क्योंकि आटे में जाकर ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा सा हमने इसमें डाला है अजवाइन। अजवाइन गोभी के अंदर बहुत अच्छी लगती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और छोटे छोटे पेड़े बना लिए। पेड़ों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, पेड़ों को रेस्ट ज़रूर दें 15 से 20 मिनट के लिए, और क्योंकि आजकल फ्रिज का आटा होता है तो इसको रेस्ट देने के लिए हम सारे ही पेड़े एक दफ़ा कर लेते हैं, जितनी हमने जितने पराठे बनाने हों तो सारे पेड़े एक दफ़ा कर लिए। जो सबसे पहले पेड़ा किया था उसको अब हमने बेल लिया है अच्छी तरह से। हम बेलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें, ज़्यादातर हाथ से ही बनाते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से फैला लिया, एक बनाया है इस तरह, फिर दूसरा, सारे 2 रोटियों के एक ही दफ़ा बना लेंगे, क्योंकि वो ज़रा ठहर जाएंगे, उनको ज़रा रेस्ट का मौका मिल जाएगा। एक जब तक बनेगा तो दूसरा रेस्ट कर लेगा। तो रेस्ट करने के बाद जो है वो आटा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, और उसको पराठा बनाना बहुत आसान रहता है। इस तरह से हमने उसके अंदर फिलिंग भर ली है। फिलिंग इसमें जितनी चाहे भर लें, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भर लें, अगर किसी को कम पसंद है तो वो कम भर लें। और इस तरह से किनारे जोड़ दें और ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर लें, और प्रेस करने के बाद ये सारी तरफ से जो किनारे होते हैं उनके अंदर तक जाके फैल जाता है, जो हमारी फिलिंग होती है इसके अंदर। तो इस तरह से झटक झटक के इसको बड़ा कर लें, क्योंकि अगर खुश्क आटा लगा होगा तो वो भी उतर जाएगा, और अगर ज़्यादा खुश्क आटा लगा हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है पराठे के ऊपर। इतना सा पकने के बाद इसको फ़ौरन ही उड़ लें, और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल हल्का सा इसको इतना सा पकने दें, और इसको उलट लें और घी लगा लें। घी के साथ पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, ऑयल वगैरह के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ऑयल वाले, घी वाले बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और इस तरीके से जो 2 पेड़े करके हम बनाते हैं पराठे, ये बहुत ज़्यादा बारीक भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी। और इसको हम उतारते ही और खोल लेते हैं अंदर से, जब ये खुल जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा और भी क्रिस्पी बन जाता है। तो अगर किसी को सॉफ्ट पसंद हो तो वो बंद ही रहने दे, और एक के ऊपर दूसरा पराठा रखता जाए तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर किसी को सॉफ्ट नहीं पसंद, क्रिस्पी पसंद है, तो फ़ौरन ही उतार के इसको खोल के उसको दे दें जिसने खाना है। हमारे घर ज़्यादा इसी तरह पसंद किए जाते हैं, हम इसी तरह एक एक बना बना के खोल के पकड़ाते जाते हैं जिस जिसने खाना हो। तो इस तरह से किनारों को अच्छी तरह से दबा दें, छोटे छोटे पेड़े लें ताकि अच्छी सी बारीक सी पतली सी रोटी बने। इस तरह से दरमियान में से दबाएं साइडों से बंद करके, ताकि चारों तरफ जो फिलिंग है वो अच्छी तरह से चली जाए, और खुश्क आटा लगा के तो इसको अच्छी तरह से झटके लगा लगा के बड़ा कर लें। तो इस तरह से बहुत बड़ी रोटी भी बन जाती है और बहुत ही बारीक बनती है। तो ये सबसे आसान तरीका है फिलिंग वाले पराठे बनाने का। और गोभी रात को हम ऐसे ही खाते हैं, और सुबह को इसके पराठे आलू गोभी के या फिर आलू मेथी के हमारे घरों में बहुत पसंद किए जाते हैं, और सर्दियों के मौसम में तो इन पराठों को बहुत ज़्यादा हमारे घरों में खाया जाता है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं, अल्लाह करे आपको बहुत अच्छे लगें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।